छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय और उसके सभी संगठक कॉलेजों में आज हो रहे मतदान को लेकर छात्र छात्राओं का उत्साह चरम पर देखा गया। प्रातः 8 बजे से शुरू हुए मतदान से पहले ही चुनाव मैदान में उतरे छात्र नेता और सभी मतदाता छात्र कॉलेज परिसर के आसपास एकत्रित होने लगे। इस दौरान जहां भी मतदान हो रहे हैं उन सभी कॉलेजों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने और किसी भी परिस्थिति से निपटने के मकसद से भारी पुलिस बल भी तैनात नजर आया। प्रातः तय समय पर शुरू हुए मतदान को लेकर मतदान केंद्रों पर वे सभी लोग भी पहुंच गए जिनकी इन मतदान केंद्रों पर ड्यूटी लगाई थी और जिन्हें निष्पक्ष मतदान करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर के मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के साथ ही कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज और शहर के सभी निजी विश्वविद्यालयों में भी मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही छात्र नेताओं के साथ ही भारी संख्या में मतदाता छात्र और छात्राएं भी अपने समर्थक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को लेकर पूरे जोश और उत्साह में नजर आए। सभी कॉलेज परिसर के बाहर भारी संख्या में छात्र अपने साथी नेताओं के पैम्पलेट बांटने के साथ ही उन छात्र छात्राओं को रिझाते नजर आए जो मतदान करने पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर अगर यह कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोरोना काल के बाद हो रहे इन छात्र संघ चुनाव को लेकर हर एक छात्र और छात्र नेता उत्साहित है। पुलिस ने किस तरह इसकी व्यवस्था इन मतदान केंद्रों के बाहर की इसको लेकर आई है, हम आपको उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जुबानी ही सुनवाते हैं। इन मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस ने किस तरह से इंतजाम किए हैं? जैसे है, आपने देखा है कि कोविड के बाद अब ये बहुत लंबे समय के बाद चुनाव हो रहे हैं तो लोगों में उत्साह भी है उसका, और सब जगह हम चाक चौबंद व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी सब राउंड पे हैं और चेकिंग कर रहे हैं और छात्रों को एडमिट कार्ड देख के प्रवेश दिया जा रहा है और फ्री और फेयर चुनाव की पूरी व्यवस्था करवाने की कोशिश की जा रही है। पोलिंग सेंटर से थोड़ा दूर रखा गया छात्रों को और आगे व्यवस्था इसी तरह से रखी जाए। छात्रों को हिरासत में भी लिया गया सर? कहीं अगर ऐसी कोई बात आई है जहां पे कुछ कानून वायलेशन की बात हुई है तो वहां पे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है। मतगणना को लेकर क्या रहेगा सर? यही सेम व्यवस्था हम इंश्योर करेंगे और जो मतगणना सेंटर है उसके आसपास फोर्टिफाई करेंगे जाप्ता और लगा के। मतगणना के बाद प्रत्याशियों को घर छोड़ा? जी जी बिल्कुल। देखिए, छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं, शांतिपूर्वक ही नहीं हो बल्कि निष्पक्ष हो, इसको देखते हुए हमने 100 मीटर के दायरे में किस प्रकार का वाहन, कोई भी आउटसाइडर, कोई भूतपूर्व छात्र नेता किसी को भी अलाउ नहीं करें। कॉलेज का जो छात्र है और उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है वो 3 स्तर पर उसकी चेकिंग हो रही है, उसके चेकिंग पर ही वो वोटिंग के लिए जा सकता है। किसी प्रकार दोपहिया, चार पहिया, तिपहिया कोई वाहन अलाउड नहीं है 100 मीटर के दायरे में। इसकी पूरी पालना सुनिश्चित की गई और जैसा कि आप देख रहे होंगे सुबह से पूरी तरह से इसकी पालना कराई जा रही है, बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान। सर, कितना जाप्ता लगाया हुआ है कि व्यवस्था इस बार किस तरह अलग की? तकरीबन जो हमारे मुख्य 19 सेंटर्स हैं तकरीबन 500 से ज़्यादा का जाप्ता लगा हुआ है। रिजर्व्स हैं, डिप्लॉयमेंट पूरा है, एडोकेट डिप्लॉयमेंट है और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि आमजन को तकलीफ नहीं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक। सर, अभी ऐसी कोई घटना सामने तो नहीं? किसी प्रकार की कोई घटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, हम उनको अलाउ ही नहीं कर रहे। वोटिंग केंद्र से 100 मीटर के दायरे में कोई भी बच्चा अलाउड ही नहीं है, जो वोटर नहीं है कोई भी अलाउड नहीं है।